वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचली कल्पना क्रिएटी ब्लॉग्स कैसे हैं आप सब उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे सो so, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है दस बजे के आसपास पास सो so, ब्रेकफास्ट हो गया है मौसम आपको दिखा दिया कि किस तरह से क्लाउडी है आज काफ़ी ज़्यादा वेदर मतलब ख़राब हो गया है और मैंने चार ले लिया है और आज ना मैंने अभी ही लंच के लिए दाल बना रखी है कई बार क्या हो जाता है ना लेट हो जाती हूँ आदि को नहलाते उसके कपड़े वॉश करते करते लंच बहुत लेट हो जाता है फिर कल भी हमें तीन बज गए थे तो इससे अच्छा है कि मैं अभी मेरे पास टाइम है तो मैंने दाल तड़का लगा दिया है बाद में सिर्फ चपातियाँ लगाना बाकी है अभी दाल चढ़ा के रखी है आदि को नहाने को पानी भी चढ़ा रखा है आदि को नहलाऊंगी उसके कपड़े वॉश करने को मौसम बहुत ख़राब है बट ये होता है ना बच्चे के कपड़े अच्छा नहीं रखता नेक्स्ट डे तक रखना और साथ साथ में वॉश करती रहती हूँ और उतना भी ख़राब नहीं है अंदर फटाफट से ड्राई हो जाते हैं तो ड्राई करने के बाद सूख भी जाते हैं तो अभी हस्बैंड गए मीटिंग में तो यहीं पे एक्चुअली कॉलोनी की मीटिंग होती है और ब्रेकफास्ट हो गया है हमारा सो यहाँ मैंने चढ़ाई थी दाल और यहाँ मैंने दाल चढ़ाई थी तो आज ना मैंने पतली दाल बनाई है जल्दी हो जाती है जो मूँगी की दाल होती है सो अब से बस हरा धनिया डालूंगी लास्ट में चावल बाद में चढ़ाऊंगी एक बजे के आसपास सो आजकल दिन का ना पता ही नहीं चलता है सर्दियों में बहुत छोटे दिन होते हैं इसलिए मेरे पास सुबह अभी टाइम था तो मैंने सोचा क्यों ना लंच के लिए दाल बना के रखूँ अपना काम जो है इजी बनाना हमारे हाथ में ही होता है अगर चीज़ों को अच्छे से आपको करना आता हो तो मैंने यहाँ पे सोचा कि फटाफट से दाल बना के रखती हूँ ताकि मेरे लिए ख़ुद के लिए भी टाइम बच जाए और आदि को भी आदि के साथ खेलने का भी बतेरा टाइम मिल जाए क्योंकि डे टाइम में धूप होती है तो धूप में फिर नहीं तो फिर धूप में बैठने का मन ही नहीं करता क्योंकि काम होते हैं लंच बनाना होता है फिर उसके साथ साथ धूप चली जाती है जब तक उठ जाता है और मतलब जब तक काम होते हैं सारे और अभी ना मैंने मेरे मैं को बास्केट मिली थी एक टूटी सी मैंने इसमें कर दी आदि के कपड़े ऑर्गेनाइज आपको दिखाती हूँ पिछले कल रात को मैंने बहुत सारी चीज़ें की है सो सबसे पहले तो देखिए ये एक बास्केट थी ये साइड से ना थोड़ी टूट गई थी इसमें मैंने यहाँ पे जो है वो फेविक्विक लगा के इसे स्टिक कर दिया है और ये इसमें रखे हैं आदि के ड्राई शीट्स और थोड़े से जो कपड़े रहते हैं एक्स्ट्रा पजामे वगैरह जो ये यूज़ करता है नहीं तो यहाँ पे ना पूरा फैला होता था अब साफ़ करने को भी ठीक है उठा के साफ़ कर दो और ये देखिए कितनी प्यारी सी चीज़ बनाई है मैंने आदि के लिए ये है डाइपर ऑर्गेनाइजर इसमें आदि को नाइट में पहनने के लिए डाइपर और कोकोनट ऑयल रखा है जिससे रैशेज़ नहीं होते हैं बच्चों को अगर आपके छोटा बेबी है तो डायपर से पहले आप ज़रूर लगाएं कोकोनट ऑयल काफ़ी अच्छा होता है नहीं तो रेडनेस हो जाती है कई बच्चों को तो ये जगह मेरी काफ़ी यूटिलाइज है मतलब यूटिलिटी सा मैंने ये एरिया बना दिया है आदि के लिए और कुछ राय क्योंकि बड़े बड़े पैक ले आते हैं तो इसलिए और यहाँ पे देखिए ये परसों अलमीरा सेट की थी ना और यहाँ पे देखिए मैंने ऑर्गेनाइजर्स बनाए हैं ये भी तो सबसे पहले तो ये दिखा दूँ ये पुराने हैं तो ये भी मैंने डी किए थे पिछले साल और ये मैंने नए बनाए हैं पिछले कल शाम को एक आदि के लिए बनाया दो अपने लिए तो ये अपनी अलमीरा के लिए बताइएगा कैसे ये मेरी एक ओल्ड कुर्ती थी जिसको कट करके मैंने बनाया है मैं अभी आगे ट्यूटोरियल ज़रूर शेयर करूँ क्योंकि मैं और भी बना रही हूँ इसमें रखे हैं मैंने शॉल वगैरह स्टॉल्स अपने और एक में रखे हैं लेगिंग्स वगैरह ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं आपकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में बहुत हेल्प करते हैं और स्पेशियस होते हैं बहुत ज़्यादा देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने को साइड से हैंडल भी है और जैसे मर्जी आप उठा दो और ये छोटे आम, छोटा सा बना है ये आदि के लिए है तो पहले मैं आदि के ही कपड़े रखने वाली थी दोनों में फिर सोचा आदि की तो ऑलरेडी अलमीरा है आप लोग पूछते हो ना कि इतनी एनर्जी आप कैसे कर लेते हैं कहाँ से लाते हैं तो मैं अपनी एनर्जी को ना इस वे में करती हूँ मुझे खाली बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है मैं अपना जो दिमाग है वो इस तरह के क्रिएटिव कामों में लगा लेती हूँ जब भी मैं फ्री हूँ जब भी मुझे लगे कि हाँ मुझे कुछ करना है तो आप लोगों के लिए भी यही है कि कुछ ना कुछ करते रात और मैं खेल रहे हैं हमारा लंच हो चुका है सो लंच तो आपको पता है सुबह बनाई थी बत्ती दाल अभी चपातियाँ बनाई थी कपड़े वॉश किए हैं और ये देखिए आराम जी खेल रहा है मम्मा की शायद आजू मम्मा जब की शाद खेल रहे हो आप अजी अजी आदि आदि इज एंग्री बर्ड बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं आदि स्माइल नहीं करता है जब भी मैं कैमरा ऑन करती हूँ ना ये कभी स्माइल नहीं करता है कभी नहीं बस ऐसे हुँ हुँ करता रहता है और ऑफ कैमरा बहुत स्माइल करता है मैं बता नहीं सकती रैंडम कभी क्लिक करने का मौका ही नहीं मिलता है इसकी वीडियो की एकदम से इतना अटेंटिव है एकदम से देख लेता है कैमरा अरे मम्मा ओके 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 मैं सबको बाय बोलती हूँ ठीक है सो so, अभी जो है आफ्टरनून का टाइम हो रहा है बारिश बाहर कंटिन्यू लगी कंटिन्यू हूँ वो देखिये बास्केट कितनी अच्छी लग रही है और कपड़े भी ऑर्गेनाइज लग रहे हैं तो इस तरह की बास्केट ना बहुत अच्छी होती है यहाँ मिलती नहीं है यार जहाँ पे अ, मेरा घर है ना और रामपुर का एरिया यहाँ अच्छी बास्केट्स इस तरह की नहीं मिलती मिलेगी तो बहुत महंगी तो सोलन काफ़ी अच्छी मिलती है तो अभी देखते हैं हम नेक्स्ट मंथ में भी जाने का बन सकता है तो इस इस तरह की बास्केटा मैं बहुत सारी लेके आऊंगी इस तरह से ना चीज़ें काफ़ी ऑर्गेनाइज रहती है मैंने अलमीरा के लिए भी लेनी है वैसे तो मैं ऑर्गेनाइजर भी बना रही हूँ बट बास्केट भी अच्छी होती है कई बार सो अभी जो है मम्मा और आदि आराम से बैठ के अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं क्योंकि सो के उठा है अभी अभी सो इसको मस्ती सूझ रही है अभी तक अपने पापा की गोद में था फिर मैंने लंच किया नहीं तो अपनी दादी के पास भी जाते देखी बर्डो एंग्री बर्डो मम्मा ओके डिशुम करना है डिचुम लो डिचुम सबको को डिशुम शब डिशुम देखता रहता है बस ये स्माइल नहीं करेगा बट इसके टॉयज देखिए कैसे रखे हैं मैंने बिल्कुल और ऊपर कुछ ऊपर रखे हैं कुछ नीचे सो so, इसके टॉयज़ के लिए मैं ऑर्गेनाइजर बना रही हूँ बहुत अच्छा सो so, कुछ दिन में बनाऊंगी अभी तो बस थोड़ा थोड़ा मैं सामान इकट्ठा कर रही हूँ बहुत जल्दी शेयर करूंगी स्पेशली इसके टॉयज़ के लिए क्योंकि आदि छोटा नहीं रहेगा ना बड़ा भी होगा साल डेढ़ साल दो साल तीन साल तो बच्चों के लिए आप बहुत सारी चीज़ें खुद बना सकते हो आप लोगों के लिए भी आइडिया मिल जाएगा तो मैं सोचूँ अभी फ्री टाइम में बना के रखती हूँ यूज़ बेशक अभी करूँ ना करूँ ओके 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 सबको बाय बोलती हूँ मैं ठीक है सबको बाय बोलती हूँ आदि का चॉय ओके होल्ड दिस आदि होल्ड दिस मामा होल्ड दिस विद योर लेफ्ट हैंड होल्ड दिस नाउ प्ले मैं इसको दिखा तो so, ये है इसका खेलने का तरीका इस तरह से मुंह में डालता रहता खेलता रहता है तो चलिए गाइक मिलती हूँ आपसे बाद में तो अभी आदि को मैं थोड़ा सा खेलने के बारे जब थक जाएगा फिर सुला दूंगी फिर मुझे इसकी स्वेटर का निटिंग का काम करना है साथ साथ फिर ब्लॉग भी बनाऊंगी मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में बाय सो अभी हो रहा है शाम का टाइम सो मतलब आठ बजे के आसपास डिनर बन रहा है तो डिनर में आज सबका मन खाने का था पकैन एक्चुअली हुआ क्या कल मैंने आटा ज़्यादा गूंद दिया था तो हम बना रहे हैं पकेन सो उससे काफ़ी अच्छे बनते हैं फ्लफी से सो so, पकैन मैंने बना दिए क्योंकि आधी सो रहा था और मम्मी बना रहे गजरेला सो so, आज गाजर फ्रेश आई थी तो हमने सोचा इस सीजन का ना पहला गजरेला बन रहा है घर पे पीछे मम्मी लाए थे बट वो मार्केट से लाए थे बट आज हमने खुद बनाया है इस बार थोड़ा सा हमने लेट मतलब अदरवाइज हम बना लेते थे इस बार थोड़ा लेट हो गए बनाने में बट बनाया है सो अभी लगा रखा है बना दिए थे सो so, अभी मम्मी बना रहे हैं गजरेला बहुत टाइम लगता है गजरेला बनाने में क्योंकि गाजर ना होते नहीं है और है तो सीजनल गाजर है पर पता नहीं कैसे हैं हो ही नहीं रहे थे तो उसमें थोड़ा सा और घी ऐड किया हमने तो इस सीज़न के ना ये पहले गाजर का हलवा बन रहा है हमारे घर में क्योंकि मम्मी लेके आए थे पहले मार्केट से तो इस बार बनाया है नहीं पता नहीं एक तो बिजी हो गए थे जैसे आधी के होने के बाद ऐसी बट uh, अब ऐसा है कि थोड़ा थोड़ा जो है आदि भी बड़ा है हो रहा है तो अब थोड़ा टाइम भी मिल जाता है मुझे भी ये भी सोया रहता है तो फिर आज ऐसे ही सबका मन किया कि चलो गजरेला बनाते हैं मौसम बहुत अच्छा है भाई दबे सुबह से बारिश हो रही है ठंडा है पर ये कि ऐसे मौसम में ना ऐसे गजरेला वगैरह खाने का बहुत मन करता है तो आटा पकैन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आटा पिछले कल का था ज़्यादा गूंद दिया था मैंने और फ्रिज में नहीं रखा था तो वो फ्लफी हो गया तो फिर ऐसे वेस्ट क्यों करना तो ऐसे ही मन किया बना लेते हैं पकैन और हस्बैंड गए हैं मम्मी पापा को पकैन देने मतलब यहीं मायके मेरे क्योंकि कोई भी घर पे चीज़ बने तो थोड़ी सी हम दे देते हैं और मम्मी भी कुछ बनाते हैं ना स्पेशल तो भेज देते हैं तो इसलिए वो गए हैं उनको देने और मैं जाती हूँ अपर में मैं आई थी यहाँ पर अपना ना आदि के स्वेटर का वो लेने थोड़ी सी रह गई है ये देखिए ये पीछे वाला है ये थोड़ा सा रह गया है और जो वूल खत्म हो गई थी तो मैं ये लेके आई हूँ ये वाली वूल बहुत अच्छा कलर है बताना ये कलर कैसा है पता नहीं आदि पे अच्छा लगेगा कि नहीं वैसे उस पर सारे कलर सूट होते हैं बट मेरा ना मिस कलर को लेने का काफ़ी मन था पहले से इसके साथ मैंने आ, ये जो है ना येलो सा कलर कॉम्बिनेशन दिया है पता नहीं बनके कैसा आएगा बट आई होप सो अच्छा बने चलिए चलते हैं परे और यहाँ पे रूम में ना लाइट ऑन रखी होती है मैंने सो चलिए सो so, यहाँ पे गाजर का हलवा भी आ, हो रहा था मतलब अभी इसे भून ही रहे थे क्योंकि टाइम लगता है इसे बनने में साथ ही साथ जो हमारे पकैन थे वो भी मैंने पहले बना दिए थे तो वो मैंने यहाँ पे हॉट केस में रखे हैं कुछ इसमें हैं एक दो और कुछ बड़े हॉट केस में हैं तो ये देखिए हमने आधा जो है टेस्ट कर लिया था तो यहाँ पे आधी आराम से सो रहा है बस थोड़ी सी थोड़ी देर की नींद होती है इसकी थोड़ा सा मतलब ऐसे ही ये सो गया था और ये देखिए बस दस मिनट ही हुए थे इसे सो के और ये उठ गया तो मैंने सोचा चलिए इसे हस्बैंड को बोलती हूँ किचन दिखा लो क्योंकि बच्चे ना बहुत चीज़ें ऑब्जर्व करने लग जाते हैं जब वो फोर या फिफ्थ मंथ में लग जाते हैं तो इसलिए ऐसे अच्छा है कि आप उन्हें जो चीज़ें दिखाते रहिए तभी उन्हें पता चलता है देखिए कैसे देख रहा है इधर उधर बहुत ज़्यादा बच्चे जो है शार्प हो जाते हैं इससे तो बस ये थोड़ा सा किचन इसका टूर हो चुका है तो अब इस व्लॉग को भी गाइज मैं यही एंड करती हूँ डिनर ऑलमोस्ट हमारा रेडी था सो यही था आज का दिन बताइएगा कैसा लगा आपको व्लॉग और आदि के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा शेयर कीजिएगा ये देखिए सोने के उठ के बाद ना ये देखिए ऐसे सुस्त हो जाता है सो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में गाइज लॉट्स ऑफ लव आदि की तरफ से भी मेरी तरफ़ से भी